हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड किंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक डिफरेंट स्टाइल की मैजिक ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस ट्रिक में मैजिशियन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच लोगों के माइंड को एक साथ रीड करता है। और ये ट्रिक जब आपके सामने पांच छह दर्शक बैठे हैं तो ये बहुत पावरफुल इफेक्ट देता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस ट्रिक को। सबसे पहले मैजिशियन ताश की हर पत्ते को दिखा देता है। हर एक पत्ता अलग अलग होता है। उसके बाद मैजिशियन क्या करता है, एक ताश को एक मिक्स भी करता है ताकि दर्शक अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं। बिल्कुल जो भी मैजिक को देख रहे हैं वो बिल्कुल ही जेन्युइन मैजिक देख रहे हैं। उसके बाद जब दर्शक सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर मैजिशियन क्या करता है, सामने पांच दर्शक होते हैं तो मैजिशियन पांच जगह पे कार्ड को रखता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मैजिशियन बस टॉप से ही रखता है, अगर दर्शक बोलते हैं तो उसको मिक्स भी करता है, कभी कभी बॉटम से भी कार्ड निकालता है, कहीं दूसरे जगह पे भी रखता है। कुल मिला के अगर दर्शक बोलते हैं तो मिक्स भी करता है उसको अच्छी तरह से, कुछ कार्ड नीचे रख लेता है, कुछ बॉटम कार्ड लेता है, कुल मिला के रैंडमली पाँच जगह पर कार्ड रखता है। इस कार्ड में कोई ऑर्डर नहीं होता है, दर्शक को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं दर्शक की यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए। मैजिशियन दर्शक की इच्छा अनुसार कार्ड को रखता है, हर कार्ड में पांच-पांच कार्ड रखता है। एक बार दर्शक एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हर एक दर्शक को मैजिशियन क्या कहता है, एक एक गड्डी दे देता है पांच-पांच पत्तों का और उनको बोलता है कि आप अच्छी तरह से मिक्स कर लो। जैसे पहला दर्शक है ये पहले मिक्स कर लेते हैं, दूसरा दर्शक वो भी ताश को मिक्स कर लेते हैं, तीसरा दर्शक वो भी मिक्स करते हैं। बेसिकली ये एकदम रैंडमाइज करने के लिए ये सब करता है मैजिशियन। फिर चौथा दर्शक वो भी मिक्स करते हैं और आखिरी में पांचवा दर्शक जो हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जो ताश हैं। मिक्स करने के बाद मैजिशियन बोलता है हर एक दर्शक को, आप अपनी गड्डी को उठाओ और अपनी गड्डी में से एक पत्ता को आप याद कर लो। तो इस बार मैं कैमरे में ट्रिक दिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस बार मैजिशियन ने ये वाला पत्ता चूज किया और दूसरे दर्शक ने ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये वाला पत्ता चूज किया, तीसरे दर्शक ने ये वाला पत्ता चूज किया। ये एक्चुअली मैं भी नहीं देख रहा हूँ, ये बाद में आपको कैमरे में आपको पॉपअप आ जाएगा उसमें स्क्रीन में। चौथे दर्शक ने ये वाला पत्ता चूज किया जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, पांचवें दर्शक ने ये वाला पत्ता चूज किया। ये बेसिकली मैं भी नहीं देख रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। उसके बाद मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन दर्शक अपने अपने हाथ में रखे होते हैं, अभी मैं तो कैमरे में दिखा रहा हूँ, तो दर्शक रखते हैं टेबल पे तो कैसे भी रख सकते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई भी किसी भी टाइम पे डाल सकते हैं। तो आप बेसिकली ये देखिए, दर्शक ने अपने हिसाब से कुछ पत्तों में से कुछ कार्ड सोचा है, किसी को कुछ पता नहीं। ये जो नॉर्मल सा ये जो जितने 25 कार्ड हैं, इस 25 कार्ड में से पांच कार्ड दर्शक का चॉइस है। मैजिशियन क्या करता है, हर पत्ता को ऐसे फेसअप करके ऐसे रखता है पांच पांच करके। ये बेसिकली मैजिशियन क्या करता है, माइंड रीड करने से पहले अपनी जो जादुई पावर है, जो मैजिकल पावर है, उसको इस्तेमाल करके कुछ करने की कोशिश करता है। और मैजिशियन ऐसे फेसअप करके सारे कार्ड को रख लेता है। उसके बाद मैजिशियन पहला दर्शक से पूछता है, अब मैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने नंबर वाइज कर लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो जो पहला दर्शक है, पहला दर्शक को पूछता है मैजिशियन, आपका जो कार्ड है वो कहाँ पे, कौन सी मतलब लाइन में है। तो जैसे वो यहाँ पे बताते हैं तो मैजिशियन फटाक से बता देता है ये वाला। आप जो दूसरा दर्शक हैं, दूसरा दर्शक को पूछता है मैजिशियन, आपकी जो चूज किया हुआ, आपने जो सोचा हुआ कार्ड है वो कौन सी लाइन में है। जो वो बताते हैं ये वाला लाइन में है, पॉइंट आउट करते हैं, तो मैजिशियन थोड़ा सा वेव्स करता है और तुरंत ही बता देता है आपका चूज किया हुआ कार्ड ये है। फिर तीसरा दर्शक को पूछता है, आप पॉइंट आउट कीजिए कौन सी वाला लाइन में आपका कार्ड है। फिर मैजिशियन थोड़ा सा एक पॉज लेता है, कुछ सोचता है और सीधा डायरेक्ट बता देता है
कि आपका जो कार्ड है, आपका कार्ड है ये वाला कार्ड। और फिर अगले वाले दर्शक को पूछता है आपका कौन सा कार्ड है, तो आपका कौन सा कार्ड नहीं, आपका कौन सी लाइन में आपका कार्ड है। फिर पॉइंट आउट करते हैं ये वाला लाइन में, तो सीधा डायरेक्ट ही बता देता है मैजिशियन आपका पॉइंट आउट किया हुआ जो ये है ये वाला कार्ड है। अब बच जाता है आखिरी, आखिरी दर्शक से पूछता है कि आपका कौन सा लाइन में है, तो ये वाला पॉइंट आउट करते हैं। तो अब डायरेक्ट ही बता देता है कि ये वाला कार्ड आपने चूज किया था। सो फ्रेंड्स, ये वो ट्रिक है, ये बहुत ही असंभव सा मैजिक ट्रिक है और इसको आप भी कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द ट्यूटोरियल फॉर दिस ट्रिक। सो फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेटअप करने की ज़रूरत है। आपको किसी एक पैटर्न का 2, 4, 6, 8, 10 ये कार्ड को रख लेना है। और ये कार्ड को आपको कैसे सेटअप करना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, इसको ऐसे उसके ऊपर रख लीजिए। और जब भी आप मिक्स करेंगे, ऐसा मिक्स कीजिए जिसमें क्या है कि जो टॉप वाली पोर्शन है, जो आपके ऊपर वाली पोर्शन है, वो बरकरार रहे, आपकी सेटअप बिगड़े ना। ऐसे जब मिक्स करेंगे तो आधा सीधा ऊपर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो टॉप वाली जो सेटअप है वो बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली करना क्या है, 5 कार्ड को रखना है। जब पहले 5 कार्ड को रख देंगे तो आपने अपनी सेटअप वाली कार्ड रख दिया। अब आप धीरे से मिक्स कीजिए, टॉप से डालिए, बॉटम से डालिए, इधर उधर डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक इल्यूजन पैदा कर देगा कि आपने उल्टा पुल्टा डाला, लेकिन असल में आपने आपका जो की कार्ड था वो आपने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया। तो 5-5 कार्ड दर्शक की इच्छानुसार आप डालिए, कहीं पे भी डाल सकते हो, इसको कितनी बार मिक्स भी कर सकते हो और कैसे भी डाल सकते हो। तो जैसे आपने डाल दिया 5-5 कार्ड डाल दिया, अब क्या करना है, अब सबको मिक्स करने के लिए बोल दीजिए। मिक्स करेंगे और एक पत्ता सोचेंगे और असल में आपने बॉटम में ये वाला कार्ड है। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, कभी कभी एक साथ भी देख लेते हैं ना दर्शक, तो इसीलिए आप पहले ही बोल दीजिए कि मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक सोचने के लिए बोलिए पत्ता। तो जैसे पहला दर्शक मिक्स कर दिया, दूसरा दर्शक मिक्स कर लिया, तीसरा दर्शक भी मिक्स कर लिया, चौथा भी मिक्स कर लिया और लास्ट में आखिरी ने भी मिक्स कर लिया। उसके बाद उनको बोलिए कि एक एक पत्ता सोचेंगे। अब यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दर्शक ने एक पत्ता चूज किया, ये वाला पत्ता चूज किया है ना, यहाँ से, ठीक है, ये वाला पत्ता चूज किया। अब उसके बाद दूसरे दर्शक ने ये वाला पत्ता चूज किया, ठीक है, ये देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक कर सकते हो, मैं ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ। तीसरे वाले दर्शक ने ये वाला पत्ता चूज किया और चौथे वाले जो दर्शक हैं उन्होंने चूज किया ये वाला पत्ता, और पांचवे वाले दर्शक ने चूज किया ये वाला पत्ता। अब देखिए हर दर्शक ने अलग अलग चूज किया है, अभी ये कैसे भी डाल सकते हैं। जैसे दर्शक अपने अपने हाथ में रखे होंगे ये, तो कैसे भी डाल सकते हैं ये। और एक बार डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने किया था, सारे पत्ते को आप उल्टा उल्टा कर रखिए, जैसे लाइन वाइज सीख, ऐसे लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और आखिर में भी ऐसे रख लीजिए। और आपको अभी रियल मैथमेटिक्स है, रियल मैजिक है, रियल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपकी जो की कार्ड थी, जो चीड़ी के 2, 4, 6, 8, 10 थे, उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला वाला स्पेक्टेटर का दो था, तो वो जिस भी लाइन में पॉइंट करेंगे, चीड़ी की दुक्की की लाइन में जो पत्ता आएगा, तो पहला वाले ने देखिए आपने क्या सोचा था, उन्होंने क्वीन ऑफ क्लब्स यानी कि चीड़ी की बेगम को सोचा था, ये 2 की लाइन में ही है। तो आप उनको ये पूछे कौन सी लाइन में है, मतलब जो ये वाला लाइन में, लेकिन आपको ये वाला लाइन से पता बताना है कौन सा पत्ता वो है।
समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो अभी जैसे सैम उसी तरह के जो सेकंड वाला सेक्टर स्पेक्टेटर है वो चार उनका की कार्ड था, तो वो अगर इस लाइन में बताएंगे तो ऑटोमेटिकली ये किंग ऑफ क्लब्स ही होगा, मतलब चिड़ी का राजा ही होगा सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि उसी लाइन में यही है। ठीक उसी तरह जैसे आप थर्ड स्पेक्टेटर को जाएंगे, जो तीसरा वाला स्पेक्टेटर जाएंगे, तो उनका की कार्ड था छः, सिक्स ऑफ क्लब्स। अब ये देखिए की कार्ड है, अब उनका उस लाइन में, अब वो बताएंगे कौन सा लाइन में है, ये देखिए ये तो ये बेगम है, पान का बेगम, लाल पान का बेगम था उनका पत्ता। तो जैसे अभी जो नेक्स्ट स्पेक्टेटर हैं जो चौथे वाले हैं वो बताएंगे ये वाला लाइन बताएंगे, ऑब्वियसली यही वाला लाइन ही बताएंगे क्योंकि वही कार्ड दिखेगा, तो आप तुरंत ही बता दीजिए उसकी लाइन में जो कार्ड है वही वाला। अब पांचवे स्पेक्टेटर का जो की कार्ड था वो है 10, अब वो लाइन में बताइए, अगर दूसरा लाइन बताते मान लीजिए वो इस लाइन में बताते तो टू ऑफ हार्ट्स होता, ये मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन असल में दर्शक तो वही बताएंगे, तो इसीलिए इस टाइप से आप उनकी माइंड को आप रीड कर सकते हो। और ये ट्रिक आप जब करोगे तो ऐसा लगेगा सच में आप जेन्युइनली उनका माइंड रीड कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।